नोटबंदी के बाद से देश में हर कोई कैश की किल्लत से परेशान है, लेकिन बावजूद इसके अगर आपको गर्मा गर्म कॉफी पीनी है या स्नैक्स खाने का मूड है तो आप बिना पैसों के भी कॉफी और स्नैक्स के मजे ले सकते हैं। बस आपको अपनी पुरानी किताबें इसके बदले में देनी होंगी। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के बाहर बने कैफे एक्सचेंज ऑफर कॉफी में आप बिना पैसों की चिंता किए खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। शेयरिंग इज यूनाइटिंग जैसे स्लोगन को आगे बढ़ाने वाले इस कैफे में आप किताबें दीजिए और कॉफी पीजिए। इस कैफे की शुरुआत पारासार्या और शिवम देवन ने की है। इनकी सोच है कि किताबें खरीदने की बजाय अदला बदली की जाए। इस कैफे की फिलॉसफी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। 6 महीने से भी कम वक्त में इसे अच्छी पहचान मिली है। पिछले महीने इस कैफे में 400 किताबें बदली गई, तो नोटबंदी के बाद से इस महीने में इनके पास आने वाली किताबों की संख्या 650 तक पहुंच गई है। इसके अलावा इस कैफे में जाकर आप किताबें भी बदल सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी किताबों को ऑनलाइन एक्सचेंज कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद से तो इस कैफे में 10 दिनों में ही ग्राहकों की संख्या 150% तक बढ़ गई है। वैसे इसके अलावा साहिल ढींगरा और पूजा भयाना भी हैं, जो नोटबंदी के बाद से लेट्स बार्टर इंडिया थीम पर काम कर रहे हैं और काम के बदले सामान देते हैं या लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान से लेकर खाने पीने की चीजें तक ये कैश की जगह इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। जब इन्होंने अपनी थीम पर फेसबुक कम्युनिटी बनाई तो 4 घंटे में ही इनके 5,000 मेंबर बन गए और अब 1,85,000 लोग इनके पेज से जुड़ चुके हैं। इन्हें कहीं जाना हो तो ये ऑटो वालों को कैश की बजाय 1 किलो चावल या दाल दे देते हैं, क्योंकि इनका सपना देश को कैश मुक्त करने का है।